गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, आज हम आपका विज्ञान का अध्याय एक पौधों और जंतुओं में श्वसन रेस्पिरेशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स पढ़ेंगे। रेस्पिरेशन श्वसन होता क्या है? श्वसन रेस्पिरेशन में सांस लेना, जो हम ऑक्सीजन अंदर लेते हैं और जो कार्बन डाइऑक्साइड हम बाहर छोड़ते हैं, इसी को हम रेस्पिरेशन कहते हैं, जो कि प्लांट्स एनिमल्स के लिए जरूरी होता है। जितने भी सजीव होते हैं वो सब श्वसन करते हैं, ठीक है। प्रस्तावना, अपने अंदर श्वसन लेने का प्रयत्न कीजिए। ये कह रहा है कि अपने अंदर सांस खींचने का प्रयत्न कीजिए, कोशिश कीजिए। क्या यह सरल है? अब श्वास बाहर छोड़िए। इस प्रक्रिया को पुनः कीजिए। सब कुछ सामान्य है, कोई समस्या तो नहीं। इस प्रकार आप आसानी से श्वास ले सकते हैं तथा छोड़ सकते हैं। परंतु उस समय क्या होता है जब आप सो रहे होते हैं? आप इस बात की चिंता ना करें कि आपका शरीर सोते समय श्वास कैसे लेता है। आपका शरीर स्वतः सांस लेता रहेगा, होता है ना। अब हम जाग रहे हैं, काम कर रहे हैं, जब तो हमें पता है कि हम सांस ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं। लेकिन ये एक ऐसी प्रक्रिया होती है सांस लेने की, जिसके लिए हमें कोई अपना एडिशनल एफर्ट नहीं करना पड़ता, कोई हमको इसके लिए कोई कोशिश करनी पड़ती है, कोई मेहनत करनी पड़ती है नहीं ना। सांस शरीर अपने आप लेता और छोड़ता रहता है। श्वसन जीवन की प्रक्रियाओं में से एक महत्वपूर्ण क्रिया है। श्वसन में जीवन की ज्योति है, मतलब श्वास से ही जीवन है। अगर हम सांस ना ले तो जीवन होगा नहीं ना। जो जन्म के समय जलती है, ठीक है, जन्म लेते ही हम सांस लेना शुरू करते हैं। जब तक मनुष्य जीवित रहता है तब तक यह ज्योति कार्य करती है। मृत्यु के समय श्वसन क्रिया समाप्त हो जाती है, अर्थात मनुष्य की ज्योति बुझ जाती है। सभी जीवों में सदैव श्वसन क्रिया होती रहती है, जीव चाहे छोटा हो या बड़ा, जीव जंतु हो या पौधे, श्वसन क्रिया के बिना जीवित नहीं रह सकते। जीवित रह सकते हैं कोई सजीव, जितने भी सजीव प्राणी होते हैं, सजीव वस्तुएं होती हैं, वो श्वसन के बिना जीवित नहीं रह सकती हैं। श्वसन होता क्या है? कोशिकाओं में कार्बनिक भोज्य पदार्थों के जैव रासायनिक ऑक्सीकरण को श्वसन कहते हैं। हम जीवित रहने के लिए श्वसन करते हैं। सभी जीव सूक्ष्म इकाइयों के बने होते हैं। जितने भी सजीव जीव होते हैं वो कुछ कोशिकाओं के बने होते हैं। कोशिकाएं मतलब सेल्स जो कि हमारे शरीर की एक सबसे छोटी इकाई होती है, ठीक है, सबसे छोटी इकाई होती है। और हमारा शरीर कई सेल्सों से मिलकर बना होता है। सभी जीवों को ऊर्जा की आवश्यकता होती है, ठीक है। हम भोजन ग्रहण करते हैं किसके लिए? ऊर्जा के लिए, इससे हमें ऊर्जा मिलती है। और भोजन में जो ऊर्जा श्वसन के समय निर्मुक्त होती है, ठीक है। जीवों को भोजन से ऊर्जा प्राप्त करने के लिए श्वसन की आवश्यकता होती है। हम जो भोजन करते हैं उसकी जो ऊर्जा हमारे शरीर को जो प्राप्त होगी वो कैसे होगी? हमारे सांस लेने से। प्रत्येक कोशिका में ऑक्सीजन का विखंडन होता है और फिर जो हम ऑक्सीजन हम अंदर खींचते हैं वो ऑक्सीजन प्रत्येक कोशिकाओं में बट जाती है। इसका मुख्य आधार श्वसन क्रिया है, इसलिए हम सांस लेते हैं। श्वसन के प्रकार, श्वसन कितने प्रकार की होती है? अवायवीय श्वसन, ठीक है। अवायवीय श्वसन का अर्थ होता है वायु रहित। जब श्वसन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है तो अवायवीय श्वसन कहलाता है। कुछ सूक्ष्म जैसे यीस्ट तथा कुछ जीवाणु अवायवीय श्वसन द्वारा ऊर्जा प्राप्त करते हैं, ठीक है। सूक्ष्म जीव अवायवीय श्वसन द्वारा भोजन ग्लूकोज को एथिल एल्कोहल तथा कार्बन डाइऑक्साइड में विखंडित कर ऊर्जा मुक्त करते हैं। आज बस इतना ही।